अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमैर हफीज़ है। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ IMDC एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन कोविड वार्ड ऑफ अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल। दिस हॉस्पिटल इज एफिलिएटेड विद IMDC एंड माई शिफ्ट जस्ट गॉट एंडेड, सो आई एम गोना शो यू अराउंड माई कॉलेज एंड शो यू वॉट आई डू आफ्टर माई शिफ्ट। सो दिस इज़ आर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। यहाँ पे डायरेक्टर, प्रिंसिपल, MD सारे यहाँ पे होते हैं और दिस इज़ आर फॉरबिडन एरिया। दिस इज़ आर HR। नाउ आई एम एसोसिएट विद दिस डिपार्टमेंट। पहले हम स्टूडेंट अफेयर्स में हुआ करते थे। सो दिस इज़ वेयर आर हॉस्पिटल एंड्स एंड दैट इज़ आर कैंपस, लाइब्रेरी, पार्किंग एरिया, आर कॉलेज बसेस एंड दैट इज़ द एंट्रेंस टूवर्ड्स द कॉलेज। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कैंपस, दिस इज़ द एंट्रेंस एंड एग्जिट एंड ये गार्ड हमें बाहर नहीं जाने देते थे। टू योर लेफ्ट, टू माई लेफ्ट इज स्टूडेंट अफेयर्स। दिस रोड लीड्स टू द स्टूडेंट्स पार्किंग एंड दैट इज़ अ कैंपस। यहाँ पे सारा एग्जामिनेशन सेल है, IT डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिनके हमारे बहुत ज़्यादा चक्कर लगते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं। दिस इज़ आर लॉबी, द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द कैंपस। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासेस के बाद सारे मर्ज होते हैं, नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस सारे इधर लगते हैं, रिजल्ट सारे यहाँ पे लगते हैं, खुशी का रोना भी यहाँ पे होता है, गम का रोना भी यहाँ होता है। दैट इज़ आर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, प्रिंसिपल वहाँ होते हैं। दिस स्टेज लीड अस टू द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड देन देयर इज द फिजियोलॉजी लैब एंड बायोकेमिस्ट्री लैब। दिस इज़ आर रूम फॉर द थर्ड ईयर। सो वी एक्चुअली थॉट कि हम यहाँ पे जब आए हैं तो हम कॉलेज के सीनियर्स हो गए हैं, बट देन वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड उस वक्त जाके पता चला कि हमारी वर्थ क्या है। लेट मी शो यू द लाइब्रेरी। सो दिस इज़ आर लाइब्रेरी। मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रहा हूँ और मुझे लग रहा है वो पीछे जो मेरे सर बैठे हुए हैं वो मुझे अभी बोलेंगे ज़ोर से डू नॉट टॉक, क्योंकि 5 साल हम यहाँ से बहुत बार निकले ना बोलने पर। और उसके बाद हमारा सर के पास भी जाना होता था कि क्यों बोल रहे थे लाइब्रेरी में। बाहर नोटिस लग जाता था कि ये वाले स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में अलाउ नहीं है। ऑल दो लाइब्रेरी के अंदर बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट की अवेलेबल हैं, कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन जिसने पढ़ना हो वो ऑनलाइन बुक कंप्यूटर पर पढ़ सकता है, जिसने बुक से पढ़ना है वो बुक पढ़ सकता है। ट्यूटोरियल रूम्स हैं जहाँ पर कम्बाइंड डिस्कशन होती हैं, टीचर्स यहाँ पर शॉर्ट ट्यूटोरियल्स देते हैं स्टूडेंट्स के, और यहाँ पर कंप्यूटर्स की सारी कलेक्शन है। इस तरफ स्टूडेंट्स जब भी उनको ऑफ टाइम मिलता है तो वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, ईमेल्स, एप्लीकेशंस यहाँ पे सारी जनरेट होती हैं। सो आई एम गोना टेक यू टू द अपर फ्लोर जहाँ पे हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस होती थी। सो दैट इज आवर ऑडिटोरियम एंड लुक्स लाइक कि कोई एग्जामिनेशन चल रहा है और उसमें हम घुसने की ज़रा कोशिश करेंगे देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे सारे जूनियर्स हैं, आई वुड लव टू सी देम सफर। उसके बाद जी यहाँ पे फाइनेंस है, ऑन योर बैक सारे एनेटमी डिपार्टमेंट है और यहाँ से ऊपर रूफ है, यहाँ पे कभी अलाउ नहीं है। एक बार कोई गया था तो उसको नोटिस सब हो गया था वार्निंग का कि नेक्स्ट टाइम अगर गए तो कॉलेज से इन्वेस्टिगेट। दीज आर आर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लासेस। नाउ आई एम गोना टेक यू टू द ऑडिटोरियम एंड सी इफ आई कैन गेट अस इन। स्नीक पीक। दिस इज़ आर एनेटमी म्यूज़ियम। यहाँ पे सैम्पल्स जो सारे पड़े हुए हैं उनको यहाँ पे आके स्टडी करते हैं, प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ाते हैं आके। और दिस इज़ इट, कैंपस लाइफ यहाँ तक है। ऑल दो आई कैन नॉट शो यू एवरीथिंग क्योंकि अभी ऑफ के टाइमिंग्स हो गए हैं, बट देर इज़ मोर टू इट देन यू सी। सो माई लंच इन स्पेंडिंग, सो लेट्स गो टू द कैफे। सो दिस इज द बैक साइड ऑफ अ कैंपस। इट फील्स वियर्ड कि मैं यहाँ पे वाइट कोट के बगैर आ रहा हूँ, बट नॉट आई एम वर्किंग हेयर और ऑफ आवर्स हैं तो आई एम अलाउड टू डू दैट। एक इंस्टेंस यहाँ पे याद आता है, हम लोग यहाँ अगर वाइट कोट के बगैर कोई भी मिल गया तो मैम सारा वुड जस्ट जंप आउट ऑफ दैट विंडो और सीधा यहाँ पे हमें 1000 रुपये का चलान होता था, और अगर नहीं होता था तो फिर पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगते थे। दीज आर माई जूनियर्स फ्रॉम फाइनल ईयर। रेहान पेपर कैसा हुआ आज सर्जरी का? हिट हो गया।
दिस इज़ अ न्यू कैफे, 2 साल पहले बना है, इट हैज़ अमेजिंग बर्गर्स, और ये व्यू चेक करें आप। सिंस दिस इज एडमिशन सीजन, तो हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1, द कैफे, ज़बरदस्त खाना एंड द क्लोजेस्ट थिंग टू माई हार्ट। द सेकेंड थिंग, वॉलीबॉल कोर्ट एंड बेसबॉल कोर्ट। यहाँ पे होता है टैलेंट हंट, उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट सिलेक्ट होके खेलते हैं इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, उसके बाद होता है स्पोर्ट्स गाला। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, लास्ट टाइम 16 ट्रॉफीज IMDC एंड उसके बाद स्पोर्ट्स गाला की ट्रॉफी वो भी IMDC। टू कंक्लूड दैट आई एम गोना गो हैव माय लंच नाउ, थैंक यू।